गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? सो आप घर पर ही रहिएगा, ओके ना? स्टे होम स्टे सेफ। तो अभी मैंने आपको वर्णमाला पिछले वीडियो में बताया था ना, अब मैं आपको वर्णमाला चित्र के साथ बताती हूँ, ओके? तो ये फर्स्ट क्या है, स्वर आते हैं। अ से अनार, अनार मतलब क्या है? पोमोग्रेनेट, आप खाते है ना, उसको अ से अनार कहते हैं। नेक्स्ट है आ से आम, आम क्या होता है? मैंगो, यस वेरी गुड। नेक्स्ट है ई से इमली, इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी, यस ई से इमली। और क्या है? ई से ईख, ईख मतलब क्या है? शुगर के, शुगर के नाम खाते हैं ना, स्वीट होता है। नेक्स्ट ऊ से उल्लू, उल्लू मतलब आउल, यस वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें दिया है ऊ से ऊट, ऊट मतलब क्या है? कैमल, कैमल। फिर री से ऋषि, ऋषि का मतलब क्या है? सेज। नेक्स्ट ए से एट, एट मतलब क्या है? वन नंबर, एट। नेक्स्ट आई से ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, हम चश्मा पहनते हैं उसे बोलते हैं ऐनक। नेक्स्ट ओ से ओखली, ओखली में तुम्हारी मम्मी घर में खाना पकाते वक्त ऐसे करती है ना, इसमें रखकर कुछ कूटती है, उसको बोलते हैं ओखली। नेक्स्ट औ से औरत, औरत मतलब लेडी, वुमेन। नेक्स्ट अम से अंगूर, अंगूर किसको बोलते हैं? यस ग्रेप्स को बोलते हैं अंगूर। और यह है अह, तो अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अम अह, ये सब है स्वर। स्वर के बाद आते हैं व्यंजन, व्यंजन मतलब है कॉन्सोनेंट्स। तो पहला व्यंजन है क, क से कबूतर। नेक्स्ट है ख, ख से खरगोश। और उसके बाद आता है ग, ग से गमला, गमला मतलब फ्लावर पॉट। नेक्स्ट घ से घर, घर का मतलब क्या है बच्चों? हाउस, वेरी गुड, घ से घर। और ये है आंगन। नेक्स्ट व्यंजन आता है च, च से चरखा। छ, छ से छत, छत मतलब क्या है बच्चों? रूफ, ये घर के ऊपर जो भी रूफ या छत टेरेस जो भी होता है उसको बोलते हैं छत। नेक्स्ट आता है ज, ज से जहाज, जहाज का मतलब क्या है बच्चों? शिप, यस बड़ी शिप जो होती है उसको बोलते हैं जहाज। नेक्स्ट झ से झरना, झरना क्या होता है बच्चों? वाटरफॉल्स, उसको क्या बोलते हैं? झरना। उसके बाद आता है इया, उसके बाद है ट, ट से टमाटर, टमाटर क्या है बच्चों? टोमेटो, जो लाल कलर का होता है, लाल मतलब रेड कलर। नेक्स्ट ठ से थप्पा, थप्पा मतलब क्या है बच्चों? स्टैंप, जो हम स्टैंप लगाते हैं किसी कागज पे या ऑफिस में यूज करते हैं उसको बोलते हैं ठ से थप्पा। और फिर है द, द से डमरू, डमरू से कैसी आवाज आती है, अच्छा लगता है आपको डमरू बजाना? यस। नेक्स्ट है घ से ढोलक, ढोलक भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम संगीत बजाते वक्त यूज करते हैं, यस। उसके बाद है अण, अण के बाद आता है त, त से तरबूज, तरबूज क्या क्या है मतलब बच्चों? यस वेरी गुड, वाटरमेलन। उसके बाद है थ, थ से थर्मस, थर्मस में क्या करते हैं हम? कुछ भी गर्म चीज या ठंडी चीज हम उसके अंदर रख सकते हैं, तो वो कुछ देर के लिए गर्म या ठंडी रहती है। नेक्स्ट द से दवाई, दवाई मतलब मेडिसिन, जब आपको या आपको जब ठीक नहीं होता, फीवर होता है, बुखार होता है, तब आप क्या खाते हैं? दवाई। नेक्स्ट ध से धनुष, आपने देखा होगा
पहले जमाने में कि जैसे किंग सभी धनुष और बाण से लड़ाई वॉर किया करते थे, ये है धनुष। नेक्स्ट न से नदी, ये है नदी। नदी का मतलब क्या है बच्चों? रिवर। ये देखिए, ये है रिवर, नदी, इसको बोलते हैं नदी। नेक्स्ट प से पतंग। पतंग का मतलब क्या है बच्चों? काइट। यस, पतंग उड़ाते हैं ना संक्रांति पे और किसी फेस्टिवल में पतंग उड़ाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट फ से फल। फल का मतलब क्या है? फ्रूट्स। बहुत तरह के फ्रूट्स आप लोग खाते हैं ना, उसे बोलते हैं फल। नेक्स्ट है ब से बकरी। बकरी का क्या मतलब है? गोट। नेक्स्ट है भ। भ से भालू। भालू का मतलब क्या है? बेर, जो जंगल फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है म से मटर। मटर खाते हैं ना बच्चों? इंग्लिश में मटर को क्या बोलते हैं? पी, ग्रीन पीस। यस, और ये है य से याक। याक तो आप लोग आपको मालूम है ना बच्चों, इंग्लिश में भी उसे याक ही कहते हैं। र से रसगुल्ला। इधर क्या दिया है? र से रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या है? एक मिठाई है, स्वीट है। नेक्स्ट ल से लट्टू। ये क्या है बच्चों? इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं टॉप। टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? लट्टू। नेक्स्ट है व। व से वक। वक मतलब क्या है बच्चों? ट्रेन। नेक्स्ट है श। फर्स्ट, यहाँ हिंदी में तीन प्रकार के श होते हैं। फर्स्ट श है ये। श से शरबत। शरबत मतलब क्या है बच्चों? जूस। नेक्स्ट श से षटकोण। षट मतलब हिंदी में होता है सिक्स। षटकोण मतलब होता है जिसमें सिक्स पार्ट्स हो, हेक्सागन, इसे बोलते हैं षटकोण। यहाँ गिनिए आप कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6। सिक्स मतलब षटकोण, इसको छह भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है स। स से संतरा। संतरा मतलब क्या है बच्चों? ऑरेंज। ऑरेंज खाते हैं ना, कोई ऑरेंज है। नेक्स्ट है ह। ह से हवाई जहाज। हवाई जहाज मतलब क्या है बच्चों? एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में बोलते हैं हवाई जहाज, जो हवा में उड़ता है। एयर, एयर मतलब हवा। नेक्स्ट आता है लास्ट में संयुक्ताक्षर। तीन संयुक्ताक्षर है श, त्र, ज्ञ। श से क्षत्रिय। क्षत्रिय एक जैसे कि राजा और उनका कुल होता है क्षत्रिय। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्र, त्र से त्रिशूल। ये त्रिशूल आपने देखा होगा ना बच्चों। नेक्स्ट है ज्ञ। लास्ट संयुक्ताक्षर है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, है ना बच्चों? तो ये पूरा आपने आपने यूकेजी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैंने ये सभी रिपीट किया है। आप लोग भी एक बार इसे जरूर देखें और याद कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।